कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, आपकी बुक्स में क्या लिखा हुआ है ये देख लो, आपने पेपर में क्या लिखना है ये देख लो। सबसे पहले दो स्लिट्स हैं, दो स्लिट्स में से एक इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी है और दूसरी इक्वेशन बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है। और ये इक्वेशन क्यों बनी मैंने आपको समझा दी। हाँ, क्योंकि दो सोर्स कोहरेंट हैं तो दोनों का एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए था, सेम। पर मैंने जानबूझ के क्या लिया, डिफरेंट, क्योंकि मेरे न्यूमेरिकल्स ए और बी में चलते हैं और कल को मैं ए और ए कर तो दूं, पर अगर एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो गया तो न्यूमेरिकल में फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा। जानबूझ के चेंज करके लिया ए और बी, हाँ स्पेशल केस कर दूंगा एंड में ए इज इक्वल टू बी, बात खत्म, क्लियर है। तो ए और बी एम्पलीट्यूड है, दो वेव्स हैं, दोनों वेव मिला के नई वेव बनेगी पी पॉइंट पर, दोनों वेव मिलके नई वेव बनेगी, मिला दिया। मिला के मैथ्स का कॉन्सेप्ट लगाते हैं इसमें, तो साइन ऑफ ए प्लस बी को ओपन कर लिया, बी से सबको मल्टीप्लाई कर लिया, साइन ओमेगा टी कॉमन आ गया। इस टर्म को आपने पुट किया आर कॉस थीटा और इस टर्म को पुट किया आर साइन थीटा, नई इक्वेशन बन गई, आर कॉमन आ गया, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी करके ये फॉर्मूला आ गया। और अगर आप इक्वेशन नंबर वन और टू को स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करें, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग से आर की ये वैल्यू आ गई। अगर आपके पेपर में आ गया, आपने ये कुछ भी नहीं लिखना, नहीं लिखना, आपने ये लिखना है फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, ये स्टेप ऑन सॉल्विंग वी गेट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड टू बी दिस। कोई नहीं प्रूफ मांगेगा, कभी नहीं आता पेपर में ये प्रूफ, ये आपको समझाने के लिए एक और शॉर्टकट है प्रूफ का। शॉर्टकट ये है, एम्पलीट्यूड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ए इज अ वेक्टर, बी इज अ वेक्टर, और वेक्टर को ऐड करने के लिए पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन, देखो वही तो फॉर्मूला है, सीधा लगा दो। इसलिए ये प्रूफ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि टीचर समझ जाएगा किसी ने पैरेललोग्राम लगाया जा सकता है, और आपके एनसीईआरटी में ये प्रूफ गिवन नहीं है, इसलिए कोई टेंशन ना लें, आपको ये स्टेप चाहिए नहीं है, सीधा आर लिखना सीखें। आर आ गया तो दो वेव को मिला के रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया, दो वेव का एम्पलीट्यूड ए और बी है, मिला के कितना आ गया, आर आ गया। अब एक टर्म है वेव की इंटेंसिटी, इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया को इंटेंसिटी बोलते हैं, मतलब समथिंग रिलेटेड टू वेव की एनर्जी। तो ये रिजल्ट है वेव का, जो वेव की इंटेंसिटी होती है वो उसके एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। ये प्लस वन के अंदर भी हम वेव में करते थे, वेव की जो इंटेंसिटी है याद रखना वो उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। दोनों वेव को मिला के एम्पलीट्यूड आर आया तो फिर इंटेंसिटी कितनी आई, आई आई, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस आर की वैल्यू को उठाओ यहां पुट करो, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई। कहीं पर इंटेंसिटी ज्यादा दिखेगी, कहीं पर लाइट की इंटेंसिटी कम दिखेगी। तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी को क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम तब होगी जब कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। कॉस फाई की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब कॉस फाई क्या होता है, वन। और मैथ वालों को याद है कॉस फाई वन कब होता है, जीरो, टू पाई, फोर पाई, और मेडिकल के लोग याद करेंगे सीधा टू एन पाई। पर इसका आंसर मैं ऑलरेडी अपने तरीके से दे चुका हूं, टू एन पाई क्यों, तो तुम लोग वैसे ही याद कर लो टू एन पाई, राइट। और ये क्या आया, फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कैसे करना है, एक शॉर्टकट, टू पाई को मन में बोल सकते हैं लैम्डा, टू पाई का मतलब लैम्डा, यहां से मन में टू पाई हटाओ, एन लैम्डा आंसर। और चलो फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, जो फेज डिफरेंस है उसका फॉर्मूला होता है टू पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला लैम्डा बाय टू पाई इंटू फेज डिफरेंस। हमारा फेज डिफरेंस क्या निकला, टू एन पाई, तो यहां से आंसर क्या आ गया, एन लैम्डा। वैसे मैं जिंदगी में कभी यूज ना करूं ये, मैं तो अपने मन में टू पाई को लैम्डा ही पुट कर दूं, और आप भी कर सकते हो, आपसे कंडीशन लिखने को पूछी जाएगी, ये लिखो ना लिखो फर्क ना पड़ता, कंडीशन याद होनी चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस एन लैम्डा और फेज डिफरेंस टू एन पाई। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इंटेंसिटी रिजल्टेंट क्या होनी चाहिए, मिनिमम। मिनिमम कब होगी, जब कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस फाई क्या होती है, माइनस वन। तो अगर तुम माइनस वन पुट करो, और मैथ्स वाले लोगों को पता है कॉस फाई माइनस वन कब होता है, पाई, थ्री पाई, फाइव पाई एंड सो ऑन, यानी कि टू एन माइनस वन इंटू पाई। तो क्या आ गया, फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस निकालने का शॉर्टकट क्या है, टू पाई का मतलब क्या होता है, लैम्डा, पाई का मतलब क्या होता है, लैम्डा बाई टू,
टू पाई का मतलब लैम्डा, पाई का मतलब लैम्डा बाई टू, मन में रिप्लेस करो पाई की जगह लैम्डा बाई टू, एक सेकेंड में आंसर आएगा। ये तो ऐसी किताबी तरीके हैं। तो समझ में आ रहा है कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की कंडीशंस कैसे लिखी जाती हैं, और मैंने कैसे समझाया था वो अलग था, लेकिन एक्चुअल में हो तो वही रहा है, पर मैथमेटिकली ऐसे लिखना है। स्पेशल केस है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कॉस फाई हमेशा क्या रहेगा, वन। और अगर मैं यहां ये वन मैक्सिमम वैल्यू पुट करूंगा तो मेरा आर भी क्या आएगा, मैक्सिमम। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आएगा, मैक्सिमम। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट क्या आएगा, ए प्लस बी। तो मेरा आर मैक्स का फॉर्मूला क्या बन गया, ए प्लस बी। और मेरी इंटेंसिटी भी क्या आएगी वहां पर, मैक्सिमम। मेरी रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम क्या बनेगी, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो इसकी जगह क्या पुट करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आई मैक्स आ गया। अब ऐसी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टिव में कॉस फाई को क्या पुट करेंगे, माइनस वन। तो रिजल्टेंट क्या आएगा यहां पर, मिनिमम, और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, ए माइनस बी, ए माइनस बी। और इंटेंसिटी मिनिमम क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। अब इसकी जगह क्या पुट करेंगे, ए माइनस बी। तुम अगर इसे और इसे डिवाइड कर लो, करेक्शन कर लो, हाँ ये ठीक है, आई मैक्स और आई मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी, के से के कट गया, तो ये करेक्शन करो स्क्वायर स्क्वायर, तो ये आई मैक्स और आई मिनिमम की रेशियो आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये सारे फॉर्मूला आपने घर जाके नोट करने हैं, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव फॉर्मूला बुकलेट के अंदर, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, आर मैक्स, आई मैक्स और आई मिनिमम की रेशियो। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? अब मुझे ये पता है एंड में अगर ए बी के इक्वल हुआ, कोहरेंट सोर्स हुआ, अब याद आई कोहरेंट की, कोहरेंट सोर्स हुआ तो आर मैक्स क्या बना, ए प्लस बी की जगह ए प्लस ए टू ए, और आर मिनिमम क्या बना, ए माइनस बी की जगह जीरो। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जीरो का मतलब कि वहां बहुत डार्कनेस होने वाली है, बिल्कुल भी लाइट नहीं है, मतलब डार्क बैंड विल अपीयर परफेक्टली डार्क, सिंपल है। और अगर आर मिनिमम जीरो है तो आई मिनिमम भी क्या है, जीरो। अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का ये फॉर्मूला हमने निकाला था, स्क्वेयरिंग कर लिया आर का। अब मुझे पता है जो पहली स्लिट है उसमें से लाइट का एम्पलीट्यूड ए है, तो आई वन उसकी इंटेंसिटी है, पहली स्लिट में से लाइट आई वन इंटेंसिटी की निकल रही है, तो आई वन प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है। दूसरी स्लिट में से बी स्क्वायर है प्रोपोर्शनल टू आई टू है, और रिजल्टेंट जो है उसका एम्पलीट्यूड आर है, तो आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आई आर है। तो तुम एक काम करो, इस फॉर्मूले में ए स्क्वायर की जगह पुट करो आई वन, बी स्क्वायर की जगह आई टू, ए की जगह रूट आई वन, बी की जगह रूट आई टू, रिजल्टेंट इंटेंसिटी नेक्स्ट फॉर्मूला। तो अगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया तो ये वाला फॉर्मूला पैरेललोग्राम वाला, और अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई तो फिर ये वाला फॉर्मूला। अब दो स्लिट्स जो हैं उनकी जो विड्थ है, ये जो चौड़ाई होती है विड्थ, डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू है, अगर जितनी विड्थ होगी उतनी ही लाइट बाहर आएगी, इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो विड्थ प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, इन्हें डिवाइड करके ये टर्म आ गई, लेकिन इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला नोट करो, कभी कभी फॉर्मूला में विड्थ की रेशियो गिवन होती है और एम्पलीट्यूड की रेशियो निकालनी होती है, तो ये फॉर्मूला काम आएगा। पॉइंट समझ में आया यहां तक? जितना भी काम हुआ उसका टेस्ट है अगली बार, साथ के साथ 15 मिनट का हाइगन प्रिंसिपल दूंगा, उसका रिफ्लेक्शन दूंगा, रिफ्लेक्शन दूंगा, और ये फॉर्मूला मार्क करने को दूंगा, पढ़ के आना।